I gave you my heart. क्या हाल है मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे अपने सर्वाइवल सील का अगला पार्ट। तो गेम स्टार्ट हो रहा है, तो भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ है, आ जाइए। ओए ऑगी, ले मैं आ गया। क्या भाई, आज की सीरीज में हम क्या करने वाले हैं? भैया आज की सीरीज में हम अपने हथियारों में एंचेंटमेंट डालेंगे और उन एंचेंटेड हथियारों का यूज़ करेंगे। ये देखिए मेरे चेस्ट में कितनी सारी किताबें हैं। हमने जो वुडलैंड मेंशन से इतनी सारी बुक लाई थी वो काम आ गई। इस एंचेंटमेंट टेबल की मदद से मैंने इतनी सारी बुक्स बना ली। अब हमारे पास जो डायमंड के हथियार हैं उनमें हम एंचेंटमेंट लगाएंगे, जैसे कि हमारी डायमंड की तलवार और साथ ही साथ डायमंड का पिकैक्स। सभी टाइप के एंचेंटमेंट्स के अलग अलग लेवल होते हैं और सभी के अलग अलग मैक्स लेवल होते हैं। तो पहले हम हथियार ले लेते हैं। ये देखिए डायमंड के तलवार की अटैकिंग पावर होती है केवल 7 की, पर अगर इसमें हम शार्पनेस ऐड कर ले तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। शार्पनेस का लेवल 5 तक होता है, वैसे ही हम डायमंड के पिकैक्स में अलग अलग एंचेंटमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि सिल्क टच या फिर फॉर्च्यून 3। ये सब बहुत काम आती है भैया। वैसे ही हम अपने ट्राइडेंट में अलग अलग टाइप के एंचेंटमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि एम्पेलिंग 5 या फिर लॉयल्टी वाला भी। ओ यागी, मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मैं बाद में सीखूँगा। पहले ये बता कि हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली भैया हमको इन बुक्स में से अपने काम के एंचेंटमेंट ढूंढने होंगे जो इन हथियारों में फिट हो सके। जैसे कि मैंने पहले ही शार्पनेस 3 की बुक उठा ली और ये फॉर्च्यून 3 की भी है। शार्पनेस 3 हम अपने तलवार में डालेंगे, जिससे कि उसकी अटैकिंग पावर बढ़ जाएगी भैया। फॉर्च्यून 3 हम डालेंगे अपने पिकैक्स में, ताकि जो भी हम इससे माइन करें वो हमें ज़्यादा मिल जाए। इसका यूज़ केवल हम डायमंड को माइन करने में करेंगे, जो कि मुझे नीचे माइनिंग करते समय मिली है, तो मैं इसका यूज़ आपको दिखाऊंगा भैया। तो फिलहाल तो हम इतनी बुक्स को लेकर चलते हैं। इन्हें लेकर हम एनविल में जाएंगे भैया। एनविल में इनका यूज़ होगा और इन्हें लगाने के लिए हमें थोड़ी एक्सपी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपने पिकेक्स में एक एंचेंटमेंट लगा लेते हैं, जो कि होगा फॉर्च्यून 3। आप देख रहे होंगे इस बुक में रेस्पिरेशन 3 भी है, जिससे पानी के नीचे ब्रीद करने में आसानी होती है। ये शार्पनेस 3 की बुक है, जिसे हम अपने तलवार में लगाएंगे। तो आपको एनविल में जाके सबसे पहले हथियार को रखना होगा और साथ में एंचेंटमेंट बुक को रखना होगा। ओह, मैंने थोड़ा गलत लगा दिया। हथियार को पहले रखते हैं फिर एंचेंटमेंट बुक को। तो ये देखिए, जैसे ही हम इसमें रखेंगे आपको एंचेंटमेंट हथियार दिखेगा, जिसका कॉस्ट है अभी 6 HP। पर कोई बात नहीं भैया, हम इतना तो दे ही सकते हैं। अब हमारी पिकैक्स में फॉर्च्यून 3 का एंचेंटमेंट लग गया है। भैया हम दो एक जैसे लेवल की बुक को एक साथ रख के उनका लेवल अप भी कर सकते हैं, ताकि हमें और पावरफुल हथियार मिले। तो अब हम अपनी तलवार को एंचेंट कर लेते हैं, वो भी शार्पनेस 3 के साथ में। पहले इसकी पावर 7 थी, अब देखिए अटैक डैमेज इसका 10 हो चुका है, यानी 3 अटैक डैमेज बढ़ गया इसका। अब इसमें लूटिंग 3 भी कर देते हैं, यानी कि इससे हम किसी को मारेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, यानी कि उनके पास रखे हथियार हमें मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अब हम जाते हैं और हमें जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें वापस रख देते हैं। अरे मुन्ना, तो इसका यूज़ कहाँ करने वाला है ये तो बता। भैया मैंने कहा था ना आपको कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने माइन करते समय डायमंड ढूंढा है, तो उसी के लिए मैं ये पिकेक्स यूज़ करूंगा। मुझे नीचे 8 ब्लॉक ऑफ डायमंड मिले हैं, जिनसे 8 ब्लॉक ही मिल सकते हैं, यानी कि हम उसे नॉर्मली माइन करें तो केवल 8 डायमंड ही मिलेंगे। लेकिन आपको मैं अंतर दिखाता हूँ भैया, अगर हमारे पिकेक्स में फॉर्च्यून 3 लगा हो तो वो 8 डायमंड कितने डायमंड में कन्वर्ट हो सकते हैं।
तो ये देखिए, पहचान के लिए मैंने इतनी सारी टॉर्चेस लगा दी है। इसके पीछे साइड वाले माइन में हमको एक सीक्रेट गुफा मिली थी, जिसमें हमको एक स्पॉनर मिला था भैया। और ये गौर कीजिएगा भैया, क्योंकि ये वाई लेवल 11 पर है, यानी कि यहाँ पर डायमंड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इस लेवल पर खुदाई की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कितने सारे डायमंड्स मिले भैया। इसके लिए मैंने बहुत आगे तक खुदाई की। अरे वाह मुन्ना, इतने सारे डायमंड्स, तूने तो कमाल कर दिया। अरे भाई, हम तो अमीर हो गए, इससे तो 8 डायमंड मिल जाएंगे। अरे रुकिए भैया, अभी इसमें हम फॉर्चून 3 का ये पिकअक्स यूज करते हैं, फिर आप देखिए हमें कितने डायमंड मिलेंगे। ये रहा, 1 से 2 मिल गए, 1 ब्लॉक से 2 डायमंड मिले, ये देखिए इससे 3 मिल गए, टोटल 5 हो गए। और देखिए इससे तो केवल 1 ही मिला, कोई बात नहीं, इससे तो केवल 4 मिल गए एक बार में भैया। आपने देखा, 4 ब्लॉक से ही हमें 10 डायमंड मिल गए, ये था 1 और इसमें से अब 2 मिल गए, इनफैक्ट भैया 3 मिल गए। ओहो, ये है 7th, जिससे हमें 15 मिल गए, और ये आखिरी वाले से हमें 4 मिल गए, यानी कि 19 डायमंड मिल गए भैया 8 स्टैक से। अरे वाह मुन्ना, यानी कि 11 डायमंड, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा। 8 ब्लॉक से हमें 19 डायमंड मिले हैं, बड़े कमाल की चीज़ है भाई ये तो। हाँ भैया, इसे केवल हम डायमंड को माइन करने में यूज़ करेंगे। फिलहाल तो पिछले पार्ट में हमें जो केव मिली थी, उसे इस बार एक्सप्लोर करेंगे भैया, कि वहाँ हमें क्या क्या मिलता है। तो लीजिए भैया, वो केव आ गया जिसमें हमको स्पॉनर मिला था। तो सबसे पहले स्पॉनर के पास चलते हैं। इस बार हम स्केलेटन स्पॉनर का यूज़ करेंगे भैया। उसके लिए हमें चैम्बर बनाएंगे, जिसमें हम स्केलेटन स्पॉन होने वाले स्केलेटन को मारेंगे। ये एक टाइप का XP फॉर्म ही होगा भैया। पहले इसके पास जितने सामान हैं उसे रख लेते हैं, फिर दोनों चेस्ट को हम रख लेंगे। सभी चीज़ों को रखने के बाद हम इस चैम्बर का यूज़ करेंगे भैया। हम एक बॉक्स बनाकर इसकी सभी टॉर्चेस को हटा देंगे, ताकि स्केलेटन स्पॉन हो। फिर हम उनको एक किलिंग चैम्बर में लाएंगे भैया, जहां हम उन्हें मारेंगे। फिर हम इन्हीं चेस्ट और एक हॉपर का यूज़ करके उनके सारे सामान ले लेंगे। अरे वाह मुन्ना, एक और XP फॉर्म, मज़ा आएगा भाई। हाँ भैया, मज़ा आएगा। तो अब इस चेस्ट को तोड़ देते हैं, वैसे ही दूसरे चेस्ट को भी तोड़ देंगे हम। फिर इस चैम्बर को बनाने की शुरुआत करेंगे भैया। तो अभी हम करते ये हैं कि इस चैम्बर को इस साइड से बंद कर देंगे, और जब हम इसके सारे टॉर्च हटा देंगे, तब इसमें स्केलेटन स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। फिर हम उनके बाहर आने के लिए एक पैसेज छोड़ देंगे भैया, और उसी पैसेज से हम उन्हें मारेंगे। तो देखिए, हम इस साइड से इस चैम्बर को बंद करने की शुरुआत करते हैं। हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जैसे ही हम टॉर्चेस हटाना चालू करेंगे, मॉब स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। तो ये हिस्सा बंद हो जाएगा और एक बंद कमरे की तरह होगा, जिसमें से बाहर आने का केवल यही एक रास्ता होगा। अच्छा मुन्ना, मैं समझ गया तो क्या करना चाह रहा है। और अब हम नीचे से रास्ता बनाएंगे, ताकि यहाँ से मॉन्स्टर आ सके, यानी कि स्केलेटन। हाँ भैया, अब हम केयरफुली इनके टॉर्चेस हटाएंगे और लास्ट वाला छोड़ देंगे, ताकि हम बाहर निकल के उसे हटा सके। तो इस साइड के हिस्से को भी मैं कवर कर देता हूँ, जो खाली छूट गया था। बस फिर ये भी स्पॉनर काम में लग जाएगा भैया। फिर हम नीचे आकर इसमें से भी XP ले पाएंगे, और इसे सारे सामान ले पाएंगे। अब हमें टॉर्चेस हटानी होगी। अरे देख के मुन्ना, आराम से करना, क्योंकि हमने काफ़ी सामान अभी इकट्ठा किया हुआ है। अगर हम गलती से भी मर गए, तो ये सब सामान यहीं छूट जाएगा। उसके लिए फिक्र मत करिए भैया।
मैं केयरफुल ही रहूँगा। ये गया पहला टॉर्च, ये गया दूसरा, और इसके बाद ये ऊपर वाला तीसरा। देखिए भैया, अंधेरा होते जा रहा है, हमें केयरफुल रहना होगा। अब ये चौथे वाले को हटाकर जल्दी से ब्लॉक प्लेस कर दूंगा ताकि हमें कुछ ना हो। देखिए तुरंत स्पॉन होना चालू हो गया। अब नीचे वाले में भी एक ब्लॉक लगा देता हूँ, उससे पहले उस टॉर्च को मुझे हटाना होगा। फिर यहाँ पूरी तरीके से अंधेरा हो जाएगा भैया। फिर अगले पार्ट में इसमें हम थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि ये सही तरीके से काम करे। ये देखिए पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है। तो ये तैयार हो गया हमारा एक्सपी फॉर्म भैया। तो ये था पार्ट जिसमें आपने देखा भैया कि हम हथियार में एन्चेंटमेंट कैसे लगाते हैं और फॉर्च्यून 3 से क्या होता है। ये केव बहुत ही स्पेशल है भैया, इसमें ओर्स ही ओर्स हैं, चाहे वो आयरन के हो या गोल्ड के। ये बहुत ही अच्छी केव है, मैं इसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर चुका हूँ और हमें खूब सारे तरीके के ओर्स मिले हैं जिसे हम माइन कर सकते हैं। अगर हमें इसमें और डायमंड मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर इसे हम अगले पार्ट में करेंगे। तो ये था वीडियो भैया, होप ये लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल्स यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।